नमस्कार, आप देख रहे हैं पाइनर हरियाणा और मैं हूं आपके साथ ऑनिका महेश्वरी। सत्रह वर्षीय अंकिता का झारखंड के दुमका में आज सोमवार सुबह अंतिम संस्कार कर दिया गया। उनके दादा ने उसे मुखाग्नि दी। कड़ी सुरक्षा में उसकी अंतिम यात्रा निकाली गई। रविवार की सुबह जब उसकी मौत की खबर आई तो दुमका में तनाव की स्थिति बन गई। दुकान बाजार तक बंद कर दिए गए। गुस्साए लोग सड़कों पर उतर गए और जिला प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। प्रदर्शनकारियों ने दुमका भागलपुर रोड को घंटों तक जाम रखा। इस विरोध प्रदर्शन में वीएचपी, बजरंग दल, भाजपा के अलावा बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे। लोगों ने बाजार भी बंद कराया। स्थिति तनावपूर्ण देखते हुए प्रशासन ने क्षेत्र में धारा 144 लगा दी। सोमवार सुबह भी ऐसे ही हालात रहे। आरोपी शाहरुख को फांसी देने की मांग की गई। अंकिता ने 5 दिनों तक संघर्ष के बाद रांची के रिम्स में दम तोड़ दिया। उसने शनिवार की देर रात अंतिम सांस ली। अंतिम यात्रा सोमवार सुबह जरावडी स्थित अंकिता के घर से निकली। आखिरी सफर में हजारों की संख्या में लोग शामिल हुए। जिले के डिप्टी डेवलपमेंट कमिश्नर कर्ण सत्यार्थी, SDM महेश्वर महतो पूरे वक्त नजर बनाए रखे रहे और कोई अप्रिय घटना ना हो इसके लिए सैकड़ों की संख्या में महिला और पुलिस बल तैनात किए गए। घटना के विरोध में विभिन्न सामाजिक संगठनों ने दुमका बंद बुलाया है। अब आपको बताते हैं कि आखिरकार अंकिता कौन पीड़ित है, जिसके साथ क्या हुआ। दरअसल 23 अगस्त को अंकिता दुमका के जरुवाडी मोहल्ले में अपने घर में सोई हुई थी। तभी लगभग 5 बजे पड़ोस के शाहरुख हुसैन ने खिड़की से पेट्रोल डालकर आग लगा दी थी। परिजन उसे दुमका के फूलो झानो मेडिकल कॉलेज अस्पताल ले गए। प्राथमिक इलाज के बाद रिम्स रेफर कर दिया गया था। पुलिस कस्टडी में आरोपी हंसता हुआ भी दिखाई दिया। उसे गिरफ्तार तो कर लिया गया था, उसे अपने किए पर कोई पछतावा नहीं है। पुलिस जब आरोपी को गिरफ्तार कर ले जा रही थी तो वो हंसता हुआ भी दिखाई दिया। उसकी बॉडी लैंग्वेज से भी ऐसा नहीं लग रहा था कि उसे किसी तरह का कोई अफसोस है। शाहरुख अंकिता को 2 साल से परेशान कर रहा था। अंकिता ने इसकी शिकायत अपने पिता से भी की थी, लेकिन समाज में बदनामी के डर से उन्होंने आगे कदम नहीं उठाया। इसके बाद जब शाहरुख ज्यादा परेशान करने लगा तो वो पुलिस में शिकायत करने पहुंचे, लेकिन शाहरुख के बड़े भाई ने माफी मांग ली और कहा कि वो आगे से ऐसा नहीं करेगा। कुछ दिन शांत रहने के बाद उसकी हरकतें फिर से शुरू हो गईं। बीते 15 दिनों में वो अंकिता को कुछ ज्यादा ही परेशान कर रहा था। अस्पताल में भर्ती अंकिता ने मौत से कुछ ही घंटों पहले अपने साथ हुई बर्बरता की पूरी कहानी बयां की थी। उसने बताया कि घटना 23 अगस्त की सुबह 5 बजे के आसपास की है। मैं अपने कमरे में सो रही थी, अचानक कमरे की खिड़की के पास आग की लपटें दिखाई दी। मैं डर गई। जब मैंने खिड़की खोली तब देखा कि मोहल्ले का शाहरुख हुसैन हाथ में पेट्रोल का केन लिए मेरे घर की तरफ से भाग रहा था। तब तक आग मेरे शरीर में लग चुकी थी और मुझे काफी जलन सी महसूस हो रही थी। अंकिता ने बताया कि मैं सिर्फ यही देख पाई कि ब्लू टी शर्ट पहने हाथ में पेट्रोल की केन लिए शाहरुख भाग रहा था। ये वही शाहरुख था जो पिछले 10 से 15 दिन से मुझे परेशान कर रहा था। मोहल्ले में उसे आवारा किस्म के लड़के के रूप में सब जानते थे। उसका काम सिर्फ लड़कियों को परेशान करना और उन्हें अपने झांसे में लेकर इधर उधर घुमाना था। अंकिता ने मौत से पहले के अपने बयान में कहा कि पिछले 10 से 15 दिन से वे उसका पीछा कर रहा था। जब भी वो स्कूल या ट्यूशन के लिए जाती थी वो उसका पीछा करता था। हालांकि अंकिता ने उसकी हरकतों का कभी सीरियसली नहीं लिया और लेकिन उसने कहीं से उसका मोबाइल नंबर जुगाड़ लिया था, जिसके बाद अक्सर अंकिता को शाहरुख फोन किया करता था और परेशान किया करता था और दोस्ती का दबाव बनाने लगा था। अंकिता के मुताबिक शाहरुख ने उसे धमकी दी थी कि अगर वो उसकी बात नहीं मानेगी तो वो उसे और उसके परिवार वालों को मार देगा। उसे उसकी हरकतों का अंदेशा तो था, लेकिन ये नहीं समझ पाई थी कि उसके साथ ऐसा भी होगा। मौत से पहले अंकिता ने बताया कि 22 अगस्त की रात उसने मुझे धमकी दी थी कि अगर मैं उसकी बात नहीं मानूंगी तो वे मुझे मारेगा। मैंने पापा को ये बात बताई तो उन्होंने कहा कि सुबह होने के बाद इस मामले का हल निकाला जाएगा। कोई समस्या का हल निकाल पाता। 23 अगस्त की सुबह इससे पहले ही शाहरुख ने पेट्रोल छिड़क कर अंकिता को जला डाला था। राष्ट्रीय समाचार पत्र पाइनियर हरियाणा पढ़ने के लिए डाउनलोड करें हमारी वेबसाइट पर प्रकाशित ई पेपर। दिन भर की तमाम छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को। वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें।